फर्स्ट जनवरी मनाकर हम बादशाह के साथ बदायूं के लिए लौट रहे हैं अपने वर्किंग प्लेस के लिए। और रास्ते में केवल स्कॉलर चॉइस इंस्टीट्यूट अपने संस्थान और अपने बड़े भैया का संस्थान चंद्रा क्रिकेट एकेडमी को याद करते हुए जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग जो रास्ते में बातें कर रहे हैं, मन किया इनको यादों में संजोया जाए, तो आप लोग भी शामिल होइएगा इन बातों में। देखिए क्या बात करते हैं हम। बादशाह जी ये बताइए, चलिए नजर पड़ी सबसे पहले आपके चश्मे पर, तो आप ये बताइए अपने प्री चश्मे के साथ आप दिख रहे हैं, और आपका हमें तो इस समय लग रहा दो ही चीजें बहुत प्री रह गई हैं। एक आप अपने स्टूडेंट जो अपने स्कॉलर चॉइस के SCI के जो छात्र हैं उनको बहुत जी जान से चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट चॉइस हमारी भाई। और दूसरी चॉइस पहले हम हुआ करते थे पहली चॉइस तो नहीं कह सकते, दूसरी चॉइस हम हुआ करते थे, अब नहीं। लेकिन इस समय हमें तो लग रहा है कि चश्मा सौतन सा बन गया है, चश्मा आपसे नहीं छूटता है। किसी को प्यारा गिफ्ट है ये जो है। चलिए आप बताइए, अगली बार जब हम मिलेंगे तो आप क्या गिफ्ट लेना चाहेंगे हमसे? पराडा का वो 22,500 रुपए का चश्मा एक हमने देख रखा है। हाँ, हमने भी देखा था, मेरे साथ ही आपने देखा था वो चश्मा, बस वही गिफ्ट चाहिए होगा। चलिए हम एक नहीं, हम दो गिफ्ट कर देंगे लेकिन बस इतना शुक्रिया रहेगा आपसे अगर आप ऐसा कर पाए। मतलब अगर पहला जो आपका फेवरेट चीज थी दुनिया में वो SCI के स्टूडेंट थे, छात्रों से बढ़के कुछ नहीं था आपके लिए, और उनका हक हम छीनना भी नहीं चाहेंगे, और दूसरे नंबर पे हम आते थे, तो कृपया हमारा दूसरा नंबर बरकरार रखा जाए। जो चश्मों ने जगह ले ली है प्लीज उनको तीसरे नंबर का स्थान दिया जाए, उनको दूसरे नंबर का स्थान न दिया जाए। और बताएं कुछ, 15 जनवरी से एग्जाम आ गए हैं अपने बच्चों के लिए, क्या कहना चाहें? हाँ सॉरी, 15 फरवरी से सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट है। बिल्कुल हाँ, आप लेकिन यूपी बोर्ड के भी लगभग फरवरी, हर डेट नहीं क्लियर हुई है, लेकिन फरवरी में ही सुनने में आ रहा है लास्ट फरवरी में एग्जाम स्टार्ट हो जाए सर। तो आप अपने बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बच्चों के लिए एक डेडिकेशन, बच्चों को एक डेडिकेट करना चाहेंगे कि देखिए अभी तक आपने जो पढ़ रखा है जितनी भी आपकी तैयारी है उसको अच्छे से तैयार करें। होता है कि हर सब्जेक्ट में आपका कुछ टॉपिक वीक होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो होता है प्रत्येक सब्जेक्ट में ऐसा होता है। कुछ टॉपिक आपके बहुत स्ट्रांग होते हैं। लोगों की फितरत होती है ना कि अपना जो वीक पॉइंट होता है उस पर ज्यादा मेहनत करते हैं, और उसके चक्कर में जो आपका स्ट्रांग जोन होता है वो भी आपका थोड़ा सा वीक हो जाता है। वीक हो जाता है, बिल्कुल सही। शायद आपको याद, बच्चों को बताना चाहेंगे कि अगर आप लोग थोड़ा सा क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हो तो जानते होंगे। अब क्रिकेट के बारे में ज्यादा हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे क्योंकि हमारे बड़े भाई नीरज भाई बहुत ज्यादा जानते हैं। बिल्कुल, हमारा बोलना थोड़ा सा नाइंसाफी हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको याद हो शायद 2004 में सचिन को टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम हुई थी इंग्लैंड दौरे पे, जो है तो सचिन का सबसे फेवरेट शॉट हुआ करता था हुक शॉट, जो है शॉट खेलते थे, लेकिन टेनिस एल्बो में बता दिया गया था कि आप लाइफ में कभी भी हुक शॉट नहीं खेल पाएंगे। जो है सचिन शॉक्ड हो गए थे कि भाई हुक शॉट उनका स्ट्रांग जोन था, उनका फेवरेट शॉट था, और स्ट्रांग जोन अगर उनका चला जाएगा मतलब बिल्कुल किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ा वो होता है। बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी खिलाड़ी के लिए हो, किसी जो उसका सबसे अच्छा पॉइंट है वो अगर ड्रॉप हो रहा है तो दिक्कत होती है। दिक्कत होता है, जैसे किसी टीचिंग फील्ड में आपका कोई बहुत स्ट्रांग टॉपिक हो और वो सिलेबस से हटा दिया जाए तो हम समझ सकते हैं आपने इस दर्द को झेला है। हमने देखा है आपका एक स्ट्रांग टॉपिक हुआ करता था, वैसे तो सारे स्ट्रांग टॉपिक हैं आपके, आप इसीलिए बादशाह कह जाते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, हाँ वो बड़ा आपका स्ट्रांग टॉपिक हुआ करता था, आप बिल्कुल चुटकियों में जो सभी लोग, हाँ सभी लोग बड़ा लंबा उसका जो मेथड था कराते थे सॉल्व कराने का, लेकिन आप उसको इतनी शॉर्ट ट्रिक उसके निकाले थे, लेकिन वो सिलेबस से हटा दिया गया तो आपको दर्द हुआ होगा, हम समझ सकते हैं। जेई में है अभी भी, जेई मेंस में। हाँ हाँ, लेकिन मतलब जो टेंथ के सिलेबस से है वो हटा दिया गया था। हाँ जी बताएं। तो इसलिए फिर सचिन ने काम किया कि मतलब हुक शॉट पे काम करना ही बंद कर दिया। जो तो वही हम बच्चों को बताना चाहेंगे कि भाई आपका जो वीक पॉइंट है उसको थोड़ा सा ज्यादा उस पर मेहनत मत करिए, जो छूट रहा उसको छोड़ दीजिए। हमारी लाइफ का फंडा रहा है, जो गया उसकी कभी याद नहीं रखी। जो आपका स्ट्रांग जोन है उस पर मेहनत करिए और उसको बेहतर करिए, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा।
और वैसे भी आप कभी भी किसी स्कॉलेजियन का हमारे इंटरव्यू ले तो वो शायद आपको बेहतर तरीके से बताएंगे कि केमिस्ट्री में उन्होंने क्या किया है। अब हमारा कहना तो ना इंसाफी हो गया ना, बड़बोलापन हो जाएगा। बिल्कुल, आपके बच्चों से हमने अभी बीच इस दौरान आए हुए थे तो हमने बात करी तो वो अभी 95% के कगार पे हैं। वो बोल रहे थे अगर पेपर अभी हो जाए तो हम इतना प्रिपेयर हैं और सारे सब्जेक्ट्स ज्यादा केमिस्ट्री में बिल्कुल प्रिपेयर हैं, ये बात वो बोल रहे थे बच्चे। बिल्कुल, अभी हमारा कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, रिजल्ट का इंतजार करिए जैसा कि विगत 14 वर्षों से प्रूव करते हैं। आप लास्ट तक बच्चों का हाथ इतनी मजबूती से पकड़े रहते हैं, अंत समय तक कैसे अनसॉल्व प्रिपेयर करानी है, कैसे मतलब कुल मिला के उनको इस तरीके से। हमारी 3 बार हो चुकी है पूरा बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए, हमारी 3 बार हो चुकी है, हम जानते हैं। और UPMSCP के वेबसाइट पे इस बार UPMSCP ने जो आपका मॉडल पेपर डाले हुए हैं सबसे पहले हमने सॉल्व कराया था सारे बच्चों को, वो हम जानते हैं। आप बहुत ही अच्छे से मेहनत करते हैं और बच्चों का हाथ सबसे ज्यादा हम कहेंगे मजबूती से थामे रहते हैं पेपर वाले दिन तक। आप बिल्कुल ऐसे बच्चों को मोटिवेट करके भेजते हैं कि जिस क्वेश्चन का आंसर उनको कुछ आसपास भी आ रहा होता है तो लगभग लगभग लिख कर ही आते हैं, ये बहुत बड़ी बात। कुछ भी कहना सब्जेक्ट में थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, हम तो कहते हैं किसी को भी जानकारी लेना हमारे बच्चों से ले और हम अपना रिजल्ट फिर से प्रूव करेंगे दिखाएंगे, वही हमारे लिए सबसे बड़ी बात। सबसे बड़ी चीज बच्चों का रिजल्ट अच्छा आएगा तो हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय होगा। बिल्कुल आएगा क्योंकि हमें बिल्कुल भरोसा रहता है हमारी लाइफ का फंडा है, बिल्कुल हम कर सकते। बिल्कुल थैंक्स इतनी देर तक हम लोगों से रास्ते में बात करने के लिए और बाय। अब हम अपनी यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं, आप लोगों से इतनी देर बातें कर ली।